नमस्कार दोस्तों, केटी वॉइस स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है छोटी बहू। छोटे बेटा बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने का कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़े बेटा बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और न होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती। फिर भी मैं सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही, मेरा काम कर तो देती है ना, उतना ही काफी है। मन में समाधान तो करना ही होगा, ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटे बेटा बहू कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लेटरिन सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लेटरिन सीट लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद तेज तर्रार बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो शिल्पा छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे वो आप भी करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती? शिल्पा, यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना, बेटी ने कहा। आप रहने दीजिए जी, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को? बेटा मुंह बनाकर चला गया। शिल्पा ने फिर कहा, प्लीज़ मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ, तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा, ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना, अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूँ ना, आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं, अब ज़्यादा खुशामद करने मत लगाइए। इतना कहकर शिल्पा जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी आप बुरा मत मानिए, क्या करूं, शिल्पा स्वभाव में थोड़ी तेज ही है, आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है, मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहूरानी जिद करके मुझे मॉल में ले तो आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी?
सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे पहले सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास्त होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे ही घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़ कर रखूंगी, आप बिल्कुल न घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ कर रखिए। चलिए, क्या अब आप एक्सीलेटर पर चलने को तैयार हैं? हाँ ठीक है, ऐसा कहकर मैंने शिल्पा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन शिल्पा का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी ही मैं संभल गई। मैं कुछ सोचती उसके पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच भी गए। जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती, तब हमेशा सोचती थी कि काश क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मॉल आदि में? मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा आदि? आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेज तर्रार बहू ईश्वर सबको दे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और सास बहू की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।